चल 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 चल, रोक क्यों रही है, कुछ भी ना होगा। चल रुक रुक, बस सीधी खड़ी रह। है ना, है? चल एक काम कर, यो यो चप्पल पहन। चल अरे तू सीधी खड़ी रह, तू कुछ ना कर। यो पकड़, बस यो पकड़। घड़ी बरसात हो गई ना आज। चल तुमको अकेले ही करना है तो फिर मेरे को क्यों लेके आई? क्या मतलब है थारा? अम्मा मेरे को बोला है खेत में काम करने को। ठीक से थारी मर्जी। लड़ा हाथ दे। कर पावेगी? हाँ। बड़े देखने मारे को करना के है। खड़े खड़े ना होवेगा कुछ। बारे में ना भाषण देना तो घना आसान था, पर हम मर्दों ने ना अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल के यूं काम करना पड़े है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, खून पसीना एक करना पड़े है, तब जाके बड़े हैं घर पे रोटी। मारे सपने केस है, मारे से तो कोई ना पूछे है ना, जानती है जिस दिन का संतोख का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन से खुरपी और फावड़ा मारे हाथ लग गया। इस मिट्टी ने ना अपना सब कुछ बना लिया था मन ने, चाहे फिर यो जमीन किसी और की हो। किसी और का? तुम्हारा जमीन किधर है? अरे रास्ते में वो बंजर जमीन ना देखी तन्ने, वो है हमारी जमीन, उसमें देवी आती जमीन ने उपजाऊ बना चुका हूं मैं। कभी सोचा ना था मन्ने कि अपनी जमीन होने के बावजूद भी किराए की जमीन पे हल जोतू मैं। किराए का जमीन मतलब? हाँ तो यो जमीन किराए पर है ना, हर बरस किराया देना पड़े हमारे को यो जमीन का। अब के करता मैं, वो तो शर्त ही ऐसी लग गई थी कि। ओए हरपुल, अरे आजा रोटी खा ले भाई। अरे हाँ भाई चल, तू मैं आता हूँ। चल छोड़े हो सब, चल रोटी खाने चलते हैं। मन्ने ना खाना है मद्रासन के साथ। मैं नहीं खाएगा इस अखरू सिंह के साथ। दोनों बात कम करे हैं, झगड़ा ज्यादा करे हैं। बर्तन ने देखा ना जब उस मद्रासन के पैर में काटा चुभा, बर्दाश्त ना कर पाया हर फूल। कौन होता है तुम? अरे घर वाला हूं तारा। हां तो मैं भी वही पे तुम्हारा स्वागत नहीं है। एक नंबर का बावली बूचू मैं। बड़े प्यार की निशानी ढूंढ रहा था ना, सोचा था यू भी मारे ते दूर रहकर पहचान हो रही होगी, पर ना यू तो खुद को प्रधान समझ बैठी सा। मर्दों वाले सारे काम करने से इसको
घर से बाहर निकल के दवा खाना चलाना चाहते है ना तू? बस मारी एक बात याद रख कि मैं तन्ने ना घर से बाहर काम करने की इजाजत ना दूंगा। सब प्यार का साइंस गलत था। अगर यही मेरे से प्यार करती तो मेरे ड्रीम्स की भी रिस्पेक्ट करती। ये मुक्का मार प्यास क्या होती है? ये जो है ना, ये ऐसे रखो, ये मुट्ठी लेकर ना इसे ऐसे तोड़ दो। थैंक यू। अयो, तुम्हारा गला में कुछ अटक गया क्या? हर फूल उठो। तुम ठीक है ना? हाँ, रुको। कुछ ना होगा, ठिसका लग गया बस। ये लो पानी पियो। सुना, ऐसा ऐसा ऊपर देख के लंबा लंबा सांस लो। ठीक है ना? ठीक है। हर बार तुमको पता भी है ये कितना सीरियस हो जाता है अगर तुम्हारा विंड पाइप पे खाना चला जाता तो। ऊपर से ये विलेज में कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। सबका सोच ऐसा तुम्हारा जैसा रहा ना तो कभी डिस्पेंसरी आएगा भी नहीं। ठीक है, मामूली सा ठसका था। ए मोहिनी, अरे कुछ ना सालनी, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक बर्फ लगा रही हूँ ना। ध्यान से लगाना मई। थोड़ा और प्यार से करना मई। अरे कितनी प्यार से तो कर रही है। हाँ, अरे तुमने कहा था ना ध्यान रखना, बारिश हो सकती है। अरे मद्रासन की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं मई। इधर 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 खड़ी क्यों है? देखते कितनी भीग गई। ओहो, कहीं खांसी जुकाम हो गया थे? अरे ओ माई, बड़ी मद्रासन को पूछ रही है। मैं भी तो बाहर से गीला होके आया हूँ ना। एकदम कितनी गीली हो गई, जाके कपड़े बदल ले। चीची, तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा जल गया। मेरे पास ना वो चले पे लगाने वाला जल है, वही लेकर आता है। अरे कपड़े बदल के आ जाना। नहीं अम्मा। अरे तू कपड़े बदल के ना आई? अम्मा पहले ये लगा देता है ना। लेकिन कपड़े बदलने को ना बुखार। अम्मा यही ज्यादा जरूरी है ना। काम से थक के आया हूँ, कोई पानी वाणी पूछेगा कि ना? हाँ जा जा, अपने पति ने पानी पूछ जा। मोहिनी, एक ग्लास ना कोसा पानी लेकर आ जा। और सुन, आधी बाल्टी पानी अच्छा गर्म कर लेना और उसमें मुट्ठी भर के ना नमक डाल देना, साथ में एक साफ कपड़ा भी लिया जा। अरे कोसा है ना, गरम पानी की बाल्टी ले। इधर रख दे, इधर रख दे। आना वो ले आ, नीला वाला। हाँ रख। हाँ यो ठीक रहेगा, नमक वाले पानी से थकान भी दूर हो जाएगी। और ये जो पानी है ना, ले कोसा कोसा पानी पी ले। पी और ये अपने पांव जो है ना, चप्पल निकाल, अपने दोनों पैर है ना गर्म पानी में डाल ले। ये क्या हो गया मोहिनी, दर्द हो रहा है? देखते जरा, बोलना था ना, मैं बर्फ लगा देती। अरे ना आराम पड़ेगा, नील भी ठीक हो जाएगा, बर्फ लगाने से ना ठीक हो जावे। यो सब इसके लिए था। क्यों? सारे मर्द जो जाते हैं खेतों में, सारा दिन काम करके वापिस आते हैं तो उनके घुटने, कंधे, पैर, टांग, सब में दर्द होता है, तो गर्म पानी लेके लुगाई आती है ना?
तो औरतों को भी तो दर्द हो सकता है ना। ऐसा तो ना है ना कि दर्द सिर्फ मर्दों को होता है। जो औरत तेरे साथ गई, तेरी लुगाई, मैं सारे दिन खेतों में काम कर रही थी, तो उसे भी हो सकता है, इसीलिए इसके लिए मंगवाया मैं। एक तो वैसे ही खेतों में काम करने की आदत ना से उसे। सबसे पहले सुबह उठती है लुगाइयां, क्या करती हैं? ना अपने खसम ने, उसके परिवार को, बच्चों को गरम गरम रोटी खिलाती है, और जो बाद में जली हुई सूखी रोटी होती है ना, वो खाकर अपना पेट भर लेती है और चल पड़ती है खेतों में अपने खसम के साथ काम करने। और वापिस आकर ना पानी भी दे, गर्म पानी भी दे, बच्चे संभाले, सब कुछ करे और मर्द कुछ ना करे। क्यों, तू ना जा सकता था रसोई में? तने प्यास लगी थी ना, तो खुद एक गिलास पानी ले लेता और मोहिनी के लिए भी ले आता। लेकिन ना, तूने ऐसा ना किया। माही मन ने पानी मांगा। तू तो किसान से ना भूखों के लिए अनाज उगाता है, कितना पुण्य का काम करता है ताकि सब लोगों को खाना मिल सके, रोटी मिल सके। कितनी मेहनत करता है मैं जानती हूँ, सारा सारा दिन धूप में खड़ा रहता है। तो मोहिनी भी तो वैसी है, मोहिनी भी तो लोगों की जान बचाती है, किसी का बच्चा जानती है, चोट लग जाए तो घाव कैसे ठीक करना ना वो जानती है। तेरा और उसका काम बराबर का ही हुआ ना, भूखों को खाना देता है, उन्हें जीवन देता है, और वो लोगों की जान बचाती है। दोनों के काम में कोई फर्क ना है, ना है ना, फिर क्यों ना जाने देता तू उसे दवाखाने? मैं मोहिनी ने ना रोकूं कि वो पुण्य का काम करे या काम करे, लोगों की सेवा करे। उस बात इतनी सह कि मन ने अपनी लगाई की कमाई ना खानी से। मैं कर दी ना तूने मर्दों वाली बात कि औरत की कमाई ना खाए। तो एक बात बता, जब तेरा बापू चला गया था ना, अकेली थी मैं, तुम दोनों के साथ, तू और संतोष, खेतों में काम किया मैंने, सिलाई बुनाई की, लोगों के घर छोटे छोटे काम करके ना पैसे कमाए ताकि तुम दोनों को रोटी दे सकूं। तेरे बदन के अंदर जितना भी खून है ना, वो एक औरत की कमाई का ही है, मारी मारी कमाई। तब तुझे बुरा ना लगा? औरत की कमाई से बड़ा हुआ है तू। मोहिनी ना अगर जाकर दवाखाने में काम करेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने इसीलिए उसे खेतों में तेरे साथ काम करने भेजा ताकि तुझे पता चले कि कोई फर्क ना, चाहे वो अपने मर्द के साथ खेतों में जाके काम करे, चाहे वो दवाखाने में जाकर लोगों की जान बचावे। मोहिनी ने भोले बाबा ने लोगों की मदद करने के लिए चुना से, गांव में सबकी जान बचा सके, इसीलिए भोले बाबा ने उसे हमारे घर भेजा है। ना हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले, ना अगर लोग उसे आशीष देंगे तो वो आशीष हमारे घर पे तो लगेगी ना। अगर मोहिनी दवाखाने में जाकर काम करेगी तिक्के परेशानी है तुझे। अगर वो जैसे वो प्रतियोगिता में गई थी और लोग हमारा मजाक बना रहे थे, इस तरह ही वो बाहर जाके कमावेगी और फिर लोग मजाक उड़ावेंगे हमारा। तो जवाब देना उन लोगों को जब मजाक उड़ावेंगे, बोल ना इतने ना पता, तू खेतों में जाकर काम करता है और वापस आके बच्चे संभालता है, और उनकी लुगाइयां बच्चे भी संभालती हैं, रोटी भी खिलाती हैं, और फिर खेतों में जाकर काम भी करती हैं। किसका बेटा है तू? हरवीर चौधरी का। और हरवीर चौधरी किसी से डरता ना था। मैंने कभी ना देखा था स्कूल का गेट, उसने मन ने पढ़ाया लिखाया, अरे गांव वालों से लड़ गया हो, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना उसकी वजह से ही, किसी से ना डरता था वो, अपनी लुगाई की इज्जत करता था, मैं जो करना चाहती थी मुझे करने देता था। तो तू भी तो उसी का छोरा है ना, सारी लुगाई अगर दवाखाने में काम करना चाहती है तो तने तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसे हाथ पकड़कर उसे हौसला देना चाहिए।
के करूं? और कोई मारे पास रास्ता भी तो ना है। हेलो, वो मारे को एक बात पूछनी थी थारे से कि अगर ब्याह के बाद मोहिनी घर से बाहर काम करने के लिए जावे है तो मैं निकम्मा हो जाऊंगा के? हरपुर, मैं जानता था तुम दोनों का बीच में एक ना एक दिन ये सवाल आने वाला है। अर्पुण, मैं जानता तुम्हारे इधर लेडीज लोग ज्यादा बाहर जाके काम नहीं करता है, लेकिन मोहिनी नर्स बनने के लिए बहुत दिन रात मेहनत किया है। मेरा बेटी इतना इंटेलिजेंट है कि उसको डॉक्टर का सीट मिला था, डॉक्टर का, लेकिन अपना सिस्टर के एजुकेशन के लिए उसने वो डॉक्टर का सीट छोड़ दिया। देखो अर्पुण बेटा, अब मोहिनी चाहता है कि उसने जो दिन रात मेहनत किया है, इतना नॉलेज लिया है, वो कहीं ना कहीं यूज करे, लोगों का हेल्प करे। अगर मेरा सन इन लॉ मेरे बेटे का सपना पूरा करने के लिए उसका मदद करता है तो वो यूजलेस कैसे हो सकता है? वो तो मेरा और मोहिनी का अम्मा दोनों का आंखों में बड़ा हो जाएगा ना। चलो ठीक है फिर, हाँ मैं रखता हूँ। जय बोले बाबा की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जाना बात कर, जा छोड़। भाई बहुत गुस्से में है, बस हमने पता कैसे खींच के लेगा ये अड़े। ये बचपन के दोस्त हैं, और दोस्तों में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। अब झगड़ा खत्म करो, मट्टी डालो, चलो। ओके भाई। अच्छा हमारी बात तो सुन, तेरी भाई से तुम्हारा बचपन से जाने हैं तू बंदे। होगी यारा गलती, माफ कर दे मारे को। एक शर्त पे मानू, मरम पे जख्म लगाना पड़ेगा, मतलब जख्म पे मरम लगाना पड़ेगा। वक्त माफ कर दे यारा, गलती होगी मारे थे। लेकिन भाई कोई ना, सुख का तो मना लिया तने, ये भाभी ने कैसा मनावेगा? एक बात सुन, पता नहीं ये संतों का फोन कब ठीक होएगा। अगर मौसा जी के फोन मैसेजेस, ना 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 ना, अगर संतों ने पता चल गया तो हमारे लिए आफत आ जाएगी। बार कहा कि ऐसे अचानक सामने ना आया कर, डरा मत करना। देखो चीची, मैं ही बस तुमको जेल लगाने आया था, तुम्हारा हाथ में लगा है ना, दो। देखा, मैंने कहा था ना मोहिनी अपने हाथों से दवा लगाएगी ना तो एकदम से ठीक हो जाएगा। वैसे चीची, तुम्हारा ऐसा उल्टा साइड हाथ कैसे जल गया? दवा पर तो सिर्फ फिंगर टिप्स यूज होता ना। वैसे चेची, तुम्हारा ऐसा उल्टा साइड हाथ कैसे जल गया? ओके है ना कि मैं बस ऐसी बैठी थी, तुम्हारे को लगा कि अरे तुम्हारे को तुम्हारा हाथ जलाना चाहिए, तो बस जला दिया। खुश। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चलो मान ले। सुखी इतना, अरे आना लगाया तूने जोर से ऐसे किना, मैं सुंडी के मुंह वाले को भी पता चले चांटा कितनी जोर से लगता है गाल पे। रहने दो भाई, भाई ने माफी मांग ली थी। अरे बड़ी मुश्किल से मना आए हो, इनके फूट डलवाएगी दोस्तों में, है? बोल ना, बोल दे भाभी को।
अच्छा वो सुंदर ने बताया हमारे को, अरे परसों उद्घाटन था ना दवा खाने का, यो पर्चे छपवाए मैंने खास दवा खाने खातिर।